दोस्तों होस्टिंगर को सभी प्रमोट करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी होस्टिंगर की दिखाता हूं जो हमसे ये छुपा के रखती है। इसका कहना ये है कि हम आपको इस प्लान में 100+ वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसकी रियलिटी आपको दिखाते हैं कि क्या कितनी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं इनके प्लान में। काफी प्लान्स हैं इनके, आप प्लान देखेंगे तो बेसिकली जो मेरे पास प्लान है इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग का प्लान है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये प्लान मैंने 4 साल के लिए लिया है, 129 या 150 के अंदर ही ये प्लान मेरे को पड़ा। इसमें मैं इनकी रियलिटी दिखाता हूं कि 100+ बोलते हैं तो क्या ये 100+ हैं और ये समस्याएं क्या आ रही, सब कुछ दिखाता हूं इस वीडियो में। यकीन करिए अगर आप होस्टिंगर लेने जा रहे हैं, आपका एक ऐसा कोई प्लान है, तो एक बार इसको अवश्य देख लीजिएगा। देखिए अगर यहां पे सीधे सीधे मैं आपको होस्टिंग प्लान दिखाता हूं, इसे देखो अभी किस प्रकार से समस्याएं आ रही वो भी मैं दिखा रहा हूं। प्रीमियम वेब होस्टिंग इनका है और इस पे देखो अभी मैंने लेटेस्ट जो ली है उस पे जो मैंने मैनेज करी 11 वेबसाइट दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने इस पे 7-8 वेबसाइट बनाई है। कुछ वैसे ही डोमेन को बस अटैच करके इंस्टॉल करके मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। सो यहां पे देखिए आप कि ये दिखा रहे हैं कि रिसोर्सेस फुल, इनका क्या कहना है भाई, मतलब कि आप 24 घंटे में 100% रिसोर्सेस हमने यूज कर लिए जबकि कुछ नहीं है यार, ट्रैफिक नाम मात्र की है हमारे पास। अब आप बताइए क्या किया जाए, मतलब आप देखो आप यहाँ पे क्या 10 वेबसाइट बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो क्या इसको आप मैनेज कर सकते हो? मैनेज करने में दिक्कत है कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सिर्फ एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और उस पर काम करना शुरू किया, रिसोर्सेस फुल हो चुके हैं। अभी मैं जो है बहुत दिक्कत आ रही मेरे को, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, आप बताओ ना। देखो यार ये इसी तरह से ये कंपनीज क्या है हमको प्लान्स देती है। अब देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, दिक्कत क्या क्या आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने इनसे चैट करी है, उन्होंने इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया। अभी मैं इसको इंटरनल चल के दिखाता हूं, मैंने जिनकी होस्टिंग करके दिखाता हूं। देख भाई मैंने अभी तो कुछ यूज ही नहीं किया, पूरा पूरा पैनल इनका डिस्क यूजेस जो हमने लिया है वो मात्र 3% का डिस्क यूज अभी हमने किया है, 3%। यकीन करें इनोड काउंट ये दिख रहा है, आईनोड काउंट जो दिख रहा है ये मैंने सिर्फ 29% ही यूज किया, अभी इतना बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी ये समस्या आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो सीपीयू यूजेस हमने सिर्फ 1% लिया, 1% यकीन नहीं होता है, आप देख लो सिर्फ 1% ही सीपीयू मैंने यूज किया फिर भी ये समस्या आ रही है। चलो मैंने अभी चैट करी है, अब यहाँ पे मैं कोई सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, ना ही काम कर पा रहा उनके पैनल पे। सो इन्होंने कहा हाई टू हाई हाउ टू, यहाँ पे मैंने लिखा माय होस्टिंग प्लान सो 100% ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन 24 आवर। देखो इन्होंने यहाँ लिखा कि ठीक है आपने यूज कर लिया होगा, लव लव लव, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इट्स चीटिंग दैट्स यू कैन से द हैंडल 100 वेबसाइट ऑन होस्टिंग प्लान एंड एक्सेट्रा, जो नॉर्मली हम समझते हैं उस तरीके से हमने चैट किया है। तो उन्होंने लिखा आई आप यहाँ पे कहा कि इसके लिए मुझे माफ करिएगा कंफ्यूजन के लिए, जब आप प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं प्लान अलाउ यू होस्ट अप टू 100 डोमेन्स। मतलब ये केवल डोमेन होस्ट के लिए बोलते हैं भैया, डोमेन होस्ट के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी होस्टिंग चल जाएगी। यकीन करिएगा जो 100 होता है ये पूरी तरह से हमारी आंखों का धोखा है। जी हाँ नोट कर लीजिए, एक्चुअल नंबर ऑफ वेबसाइट इफिशियंटली होस्ट डिपेंड अपॉन रिसोर्स यूजेस। रिसोर्स तो भाई हमने यूज ही नहीं किया फिर भी पूरा नंबर दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। इंडिविजुअल वेबसाइट इफ योर वेबसाइट रिसोर्स इनिशिएट यू मे रीच प्लान मैक्सिमम लिमिट फ्यूअर देन 100 वेबसाइट, इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस नंबर ऑफ वेबसाइट दियर रिसोर्स एंड लव लव लव। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताने की मुझे कोशिश करी है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तब यहाँ पे ये बता रहे डिपेंड अपॉन योर ट्रैफिक साइज, वेबसाइट साइज, एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट, मैनेज दिस, हाउ कुड लुक ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ये सब इन्होंने दे दिया इस तरह से करिए। तो भैया और नंबर ऑफ प्लगइन्स के बारे में इन्होंने यहाँ बता दिया कि मिनिमाइज द रिसोर्स हैवी प्लगइन स्क्रिप्ट इफ यू optimize your website till reaching the resource limit and it will be necessary to consider the hosting plan upgrade to देख रहे भैया क्या कह रहे हैं कि होस्टिंग प्लान को आप अपग्रेड कर लो। उसके बाद इन्होंने अभी देखिए सीनियर अधिकारी को ये ट्रांसफर मेरी कॉल करी है और वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या रिप्लाई करते हैं, जबकि मैंने सब कुछ बता दिया है कि मैंने बहुत वेल नोन तरीके से अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि देखिए होस्टिंगर हम लोग ले लेते हैं लेकिन ये लोग हमको कैसे फंसा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्लान है, आप नीचे जाके चेकआउट कर लीजिए कि इंडियन होस्टिंग कंपनी का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आप होस्टिंगर ही बाई करना चाहते हैं उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई इनसे बुराई नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी बेसिक अच्छी है, लेकिन ये जो कमियां हैं कोई बताता नहीं है। अब आप जब प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। IOPS के बारे में देख रहे हैं, इतना कम यार यूजर्स में अवेलेबल इतना है, 24 नम ही हमने यूज किया है। इधर देखो सब कुछ लिमिट में है लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी जारी है, ये प्रॉब्लम जारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए? जी मैं छोड़ने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर होस्टिंगर का ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को जो प्लान मिल जाएगा
पे जो है 100+ वेबसाइट होस्ट कर लूंगा, तो ये भैया सिर्फ धोखा है, वहम है, ठीक है, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। और आप जो है एक अच्छी होस्टिंग कंपनी का चुनाव करिए और होस्टिंगर भी ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर आपके पास एक दो वेबसाइट होस्ट करना है तो होस्टिंगर ले लीजिए, ज़्यादा करना है तो ये सिर्फ यहाँ पे जो भी है ना इनके टर्म एंड कंडीशन जान लीजिए, वो 100 डोमेन होस्ट कर सकते हैं और वेबसाइट नहीं, आप यकीन करिएगा कि अगर आप बनाने लगेंगे पूरी तरीके से तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही, एक जो कमी थी बहुत बड़ी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बस ऐसे ही रैंडमली, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में बताना नहीं भूलिएगा, साथ ही आप अपना प्यार बनाए देखिएगा चैनल पे, अगर यहां तक रुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए और मजेदार सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।